अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। और जनाब कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं हमारे सब व्यूअर्स के। क्रिसमस है जनाब और क्रिसमस की खुशियां आप सबको मुबारक हो मेरी जानिब से। और इसके अलावा 25th ऑफ दिसंबर पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के दिन फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ डे भी है। और अगर मैं कायद अजम की बात करूँ तो सिर्फ पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव से नहीं, एज अ लीडर ही वॉज़ वेरी इंस्पिरेशनल। आई डू रिमेंबर कि जब हमने एमबीए किया था तब हमने लीडरशिप के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर गांधी की पर्सनैलिटी पढ़ी थी, कायद अजम की पढ़ी थी और जो कुछ डिफरेंट लीडर्स हैं जिनके मुश्किल से नाम थे और मुझे वो बिल्कुल याद नहीं है, उनकी पर्सनालिटीज़ पढ़ी थी। और तब मैंने रियलाइज़ किया था कि इट्स नॉट डैट ईजी कि कोई भी कायदे आज़म बन जाएगा उठ के, या कोई भी गांधी बन जाएगा, या डिफरेंट आपकी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं आप बन जाएंगे। इसके लिए आप में कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, आपकी सोच डिफरेंट होती है, एक अलग किस्म की डेडिकेशन होती है आप में, जो कि जनाब बिल्कुल कायदे आज़म में थी। और जनाब तमाम पाकिस्तानियों को कायदे आज़म की सालगिरह भी मुबारक हो और सर्दियां भी इंजॉय कर रहे हैं आप। आज मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आप सबको पता है कि आई एम इन लाहौर और लाहौर में है तो यहाँ पर सर्दी इंजॉय करने का बड़ा मज़ा आता है। सो हमने कहा चलें भाई कहीं घूमने फिरने चलते हैं। और आज हम गए फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट की कुछ पिक्चर और कुछ वीडियोस मैं शेयर करूँगी आपसे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप लोग देखिएगा। फूड स्ट्रीट की टाइप की वैसे अब अगर आप डिफरेंट शहरों में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन फूड स्ट्रीट क्योंकि एक पहली अपनी नौइयत की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सब खाने अवेलेबल होते थे, और अब तो उसको भी डेवलप कर दिया गया है, यानी आपको कुछ पंजाब का क्राफ्ट भी मिलेगा, कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें भी मिलेगी, ज्वेलरी भी मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ और अगर आप नए हैं तो काइंडली यहाँ से परचेज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी आपको। और खाना अच्छा है यहाँ का, लेकिन हालांकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है लेकिन मुझे कराची का जो खाने का टेस्ट है वो ज़्यादा पसंद है। बहरहाल जब आप लोग यहाँ पे आएँ तो फूड स्ट्रीट हो गई, मीनार पाकिस्तान या बादशाही मॉस्क और किला, इन जगहों पर ज़रूर जाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। और अब तो किला के साथ एक जो हमारे सिख भाई हैं उनकी एक बड़ा एक सेक्रेट प्लेस, उनका मजहबी प्लेस भी ओपन कर दिया गया है कि जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात कर लेते हैं जनाब ज़रा स्पोर्ट्स की, ज़रा क्या बल्कि पूरी की पूरी स्पोर्ट्स की बात करेंगे भाई। सो स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है सेकंड T20 के लिए, जिसका आगाज़ अब क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ तो कुछ ही घंटों में होने वाला है। सो ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो उसी स्क्वाड से गए हैं भाई, और जो पाकिस्तान वाले हैं ये वाले का वर्ड कैसा अजीब सा लग रहा है ना। जी ये जो पाकिस्तान की टीम है हमारी, ये इन लोगों ने एक तब्दीली की है। और वो क्या तब्दीली की है? अच्छा, वो तब्दीली इतनी क्या कहेंगे ना, बहस का बायस बनी हुई है। एक तो नहीं, एक सजाद खान को भी ऐड किया है, स्पिनर को ऐड किया है, और जो दूसरा नाम है वो है जनाब किन का नाम है, रिजवान का। सो ये जो डिबेट चल रही थी कि रिजवान या फिर सरफराज, सोची सरफराज को इस दफ़ा ऐड किया गया है। शान मसूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने भी कहा कि भाई जो सरफराज हैं वो हमारे एक्सपीरियंस है उनके पास, डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे और पाकिस्तान में उन्होंने सीरीज विन करने में भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब ये एक टेक्टिकल डिसीजन किया गया है, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन किया गया है। तो ये जो लोग फजूल में कराची लाहौर का कार्ड प्ले कर रहे हैं ना, प्लीज स्टॉप इट। मैं पहले ही कह रही थी कि भाई कराची लाहौर की बात नहीं है, अगर मेरी बात की जाए तो दोनों ही मेरे अपने शहर हैं, लाहौर से मेरा ताल्लुक है, कराची में आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ। लेकिन अगर आप ये कराची लाहौर के कार्ड को साइड पर रखें और बिल्कुल फेयर डिसीजन करें, सो सरफराज इज़ वेरी गुड एंड वेरी केपेबल बट इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। जब ये पर्थ आ जाता है, MCG आ जाता है जनाब, इवन सिडनी में भी वो इतने अफेक्टिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि विकेट तेज़ है, आपकी बाउंसी है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर रिजवान बिल्कुल सही रहते हैं, और बड़ा अच्छा फैसला किया गया कि रिजवान को मौका दिया गया। और अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक मैच के बाद सरफराज को बिठा दिया गया और ये ज़्यादती है, कोई ज़्यादती नहीं है, टेक्टिकल डिसीजन है। जब अगर आप एशिया में खेलें
सो वहाँ पे बिल्कुल आपको सरफराज को खिलाना चाहिए है। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो यहाँ पे रिजवान जो है वो बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। और इस पे हम जनाब हफीज़ की और शान मसूद की तारीफ़ करेंगे कि दे took a good decision। और जी नोमान अली जो हैं वो इंजर्ड हैं, सो ऑफ कोर्स नॉट द इंजर्ड, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो सज्जाद खान को यहाँ पर शामिल किया गया है। और जी खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमज़ा आ गए हैं, तो जी अब ये कॉम्बिनेशन बना है कुछ। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर एक और पेसर ऐड कर लिया जाता तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, क्योंकि अप्रोच अभी भी वही लग रही है कि आप विकेट लेने से पहले रन बनाने का सोच रहे हैं। तो अगर आपने जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विकेट लेने का पहले सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं लास्ट मैच में कमेंट्री सुन रही थी रवि शास्त्री जो कि कोच थे जब इंडिया की टीम जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने ये कमेंट्री के दरमियान भी बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जीतना चाहते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया को 250 पर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने जनाब 300 350 बना दिए ना, तो फिर आप ये ना सोचें कि आप मैच जीत सकते हैं। सो इस तरह के जब आपको टेक्टिकल डिसीजन करने होते हैं तो आपको बोल्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, जैसे आपने अभी एक सरफराज को बिठाया और रिजवान का उठाया। तो जी एक हमारी टीम है जो कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीती है, 28 साल हो गए, और दूसरी जानिब इंडिया की टीम है जो कि अभी तक साउथ अफ्रीका में नहीं जीती है। इन दोनों में से कौन सी टीम, दोनों एशियन टीम्स हैं और दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है, कौन सी टीम इस चैलेंज के अंदर सुरखुरू होगी यानी कि कामयाब होगी, इसका हमें वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर जो बारिश है, आप जानते हैं कि बारिश का और क्रिकेट का चोली दामन का साथ है। सो यही हुआ जनाब प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी, बारिश की प्रेडिक्शन मैच में भी है। और प्रैक्टिस सेशन की हम बात करें तो ये डिस्टर्ब भी हुआ, इंडिया ने तो लकीली अपने जो प्रैक्टिस सेशन था उसे किया, लेकिन साउथ अफ्रीका का बारिश की वजह से इंटरप्ट हो गया। अब कल के दिन भी यानी कि नोट द कल, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही ये जो है जनाब नया दिन शुरू हो जाएगा। अब ये जो पहला दिन है टेस्ट मैच का साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर बारिश की पहले दिन भी प्रेडिक्शन है, दूसरे दिन भी है, और फिर तीसरा चौथा पांचवा, इन दिनों में बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है। तो जो देखते हैं मौसम की क्या सूरत हाल होती है और इस हवाले से कितना खेल हो पाता है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो वो जो वर्ल्ड कप का एक सारा सिनेरियो हुआ और दिल टूटे, हार्ट ब्रोकन, आपको एक डिफीट मिली, उसके बाद से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक इंटरेक्शन था इस तरह से मीडिया के साथ, एक उनका इंटरव्यू तो आया था, लेकिन उनसे अगेन वही क्वेश्चन हुए जनाब वर्ल्ड कप को लेकर और उनके मुस्तकबिल को लेकर। तो जनाब रोहित शर्मा ने कहा है कि आई एम रेडी टू प्ले, यानी मैं हर फॉर्मेट को खेलने के लिए तैयार हूँ। तो अब देखते हैं जी मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। और उनसे साउथ अफ्रीका के बारे में भी पूछा गया, क्यों नहीं अभी तक जीत पाए हैं। सो जी सवाल जवाब तो चलते रहते हैं, अब हम ये देखेंगे कि मैच में क्या होगा। MCG में और पाकिस्तान और जनाब ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका में इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, दोनों टीम्स को बेस्ट ऑफ लक है जनाब हमारी जानिब से, अच्छा खेलें और जीत के आए, जबकि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। बहरहाल जनाब ये है आज की छोटी सी वीडियो, हमने कहा कि आपसे इंटरेक्शन भी किया जाए, और अब आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप जी बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह ने ये बान है।